बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टी एस टेलीफोन की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान स्टडीज का, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 19 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है द सिमला कॉन्फ्रेंस और जनरल इलेक्शन 1945-46। क्वेश्चन नंबर 200, ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल कन्वेंड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एट शिमला इन, कब बुलाया था? जून जुलाई 1945। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 201 देखे, 201 नंबर, द हिस्टोरिक शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वाज अटेंडेड बाय, इट वाज अटेंडेड बाय 21 इंडियन लीडर्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, 202, इन द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 यूनियनिस्ट पार्टी वाज रिप्रेजेंटेड बाय खिजरायात खान। ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 203 देखे, द मुस्लिम लीडर्स हिदायतुल्लाह हु अटेंडेड द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वाज, ही वॉज प्रीमियर ऑफ सिंध, प्रीमियर ऑफ सिंध का मतलब वजीर आला। ऑप्शन डी करेक्ट है। 204 नंबर क्वेश्चन देखिए, 204, ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 एम ए जिना ट्राइड हार्ड टू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड हेल्ड एक्सप्लोरेटरी टॉक्स विद हिंदूज लीडर नेम जी बी पंट। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जी बी पंट गोविंद बालाबा कुछ इस तरह का है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 205 देखे, ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस द वायसराय ऑफर फाइव मिनिस्टर्स टू मुस्लिम लीग मुस्लिम्स इंक्लूडिंग फोर टू मुस्लिम लीग एंड वन टू नॉन लीग पंजाबी मुस्लिम। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 206 देखे, 206, मोहम्मद अली जना रिजेक्टेड वाइसराय्स ऑफर ऑफ फोर मिनिस्ट्रीज टू मुस्लिम लीग एंड वन टू नॉन मुस्लिम लीग पंजाब एंड ही स्टूड बाय हिज डिमांड ऑफ द लेटर डेट, कब तक? डेट 7 जुलाई 1945। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 207 देखे, 207, द सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 कंक्लूडेड ऑन, इट वाज कंक्लूडेड ऑन 14 जुलाई 1945। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 208 नंबर क्वेश्चन देखे, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 elections to the central legislature were held in, election were held in December 1945। option b correct option hai। question number 209 dekhiye dosto, 209 number question, in 1946 the election to provincial assemblies were held in the month of, in the month of January 1946। option ए करेक्ट ऑप्शन है। 210 नंबर क्वेश्चन, इन 1945 इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर द मुस्लिम लीग वन, मुस्लिम लीग वन हाउ मच सीट? 30 सीट्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 211 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन 1945 इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द कांग्रेस वन, कांग्रेस ने कितने सीटें जीते थे? 57 सीट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। और 212, इन द
1946 elections to the provincial assemblies, Congress won 930 seats and the Muslim League won. Muslim League ने 428 seats जीते थे. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 213 देखिए. 213 इन 1946 इलेक्शन कांग्रेस सक्सीडेड इन गेनिंग मेजॉरिटी इन गेनिंग मेजॉरिटी इन सिक्स प्रोविंसेस. ऑप्शन बी करेक्ट है. 214 नंबर क्वेश्चन इन द पंजाब प्रोविंस इन 1946 इलेक्शन द मुस्लिम लीग वन 75 सीट्स एंड कांग्रेस 151 सीट्स. हाउएवर डिस्पाइट द लेस नंबर ऑफ सीट द कांग्रेस फॉर्म्ड अ कोलिजन मिनिस्ट्री बाय मस्टरिंग अ टोटल ऑफ 83 सीट्स. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 215 देखिए. 215 नंबर इन 1946 इलेक्शंस अ टोटल नंबर ऑफ 250 सीट्स वर कॉन्टेस्टेड इन बंगाल आउट ऑफ विच लीग वन. मुस्लिम लीग कितने 113 सीट्स. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 216 देखिए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 216 कहते हैं कि इन 1946 लीग मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म इन बंगाल अंडर इट वॉज फॉर्म अंडर एच एस सहरवर्दी. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. और 217 इन 1946 लीग मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म इन सिंध प्रोविंस अंडर इट वॉज फॉर्म अंडर हिदायतुल्ला. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. और 218 नंबर क्वेश्चन देखिए. 1946 का टोटल नंबर ऑफ 50 सीट्स वर कॉन्टेस्टेड इन एनडब्ल्यूएफई आउट ऑफ विच कांग्रेस वन 11 एंड मुस्लिम लीग वन हाउ मच. मुस्लिम लीग वन 17. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. 1946 द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट वॉज फॉर्म अंडर रिनाउन पॉलिटिशियन डॉक्टर खान साहब बने थे उस वक्त. तो देखिए डॉक्टर खान साहब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन डॉक्टर खान साहब. अब कैबिनेट मिशन प्लान देखिए. क्वेश्चन नंबर 220. क्वेश्चन नंबर 220 हमारे पास है कि आफ्टर द 1946 इलेक्शन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सी आर क्लेमेंट रिचर्ड एटली अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ 3 मेंबर कैबिनेट मिशन फॉर इंडिया. ही मेड दिस स्पीच इन हाउस ऑफ कॉमन ऑन 19 फरवरी 1946. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 221 थे के इन 1946 द कैबिनेट मिशन कंप्राइज्ड ऑफ सर एस क्रिप्स लॉर्ड पेटक लॉरेंस एंड ए वी एलेक्जेंडर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 222 नंबर क्वेश्चन देखिए. द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन इट वाज अराइव ऑन इंडिया 24 मार्च 1946. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 223 देखिए. 223 नंबर द कैबिनेट मिशन हेल्ड डिस्कशंस विद द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम 3 अप्रैल तो 17 अप्रैल 1946. ऑप्शन ए करेक्ट है. 24 नंबर क्वेश्चन देखिए. ऑन 5 से 12 मई 1946 तक द कैबिनेट मिशन कन्वेंट अ ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस ऑन कहां पर किया था. शिमला में ऑन इन शिमला. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए. 25 नंबर क्वेश्चन द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज पब्लिश्ड ऑन इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 16 मई 1946. ऑप्शन डी है. 26 नंबर क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 26 द कैबिनेट प्लान कंप्राइज्ड ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस ग्रुप ए बी एंड सी. ऑप्शन बी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए. 227 नंबर
द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वर प्लेस्ड इन, द मुस्लिम मेजॉरिटी पावर प्लेस इन ग्रुप बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 28 नंबर क्वेश्चन, द ग्रुप सी ऑफ द कैबिनेट प्लान कंप्राइज्ड ऑफ, इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल एंड सिंध, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 229 नंबर देखिए, 229, द ग्रुप बी ऑफ द कैबिनेट प्लान कंसिस्टेड ऑफ, इट वाज कंसिस्टेड ऑफ बलूचिस्तान, असम, खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन डी है। 230 नंबर क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ हिंदू प्रोविंसेस विच वर प्लेस्ड इन ग्रुप ए एंड द कैबिनेट प्लान वाज, इट वाज देखिए ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद न्यू टॉपिक शुरू होता है इंटरिम उबूरी गवर्नमेंट, तो उसको नेक्स्ट वीडियो पर तोड़ते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।